हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सब? होप यू आर डूइंग वेल। ओके, सो नाउ टुडेज अवर टॉपिक इज मुंबई द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। यस्टरडे वी लर्न अबाउट न्यू दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना? एंड दिल्ली इज ऑल्सो अ यूनियन टेरिटरी। हेयर वी विल लर्न अबाउट मुंबई। तो मुंबई में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे बच्चों? लोकेशन, मुंबई कहाँ है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, कल्चर, ट्रांसपोर्ट एंड प्लेसेस। सो दीज थिंग्स वी विल लर्न अबाउट इन मुंबई। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ एक्सरसाइज टू डू, नेम द प्लेस। सो दिस इज गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया एंड इन मुंबई। ठीक है, ये मुंबई में है। नाउ मुंबई या कॉस्मोपॉलिटियन मेट्रोपोलिस इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। मुंबई किसका कैपिटल है बच्चों? महाराष्ट्र स्टेट का कैपिटल है। इसके पहले बिफोर जो भी चैप्टर्स हमने कवर किए हैं उनमें स्टेट के कैपिटल्स भी कवर किए हैं विद द हेल्प ऑफ मैप। तो यहाँ महाराष्ट्र स्टेट जो है उसका कैपिटल क्या है बच्चों? मुंबई। सो इट वॉज अर्लियर नोन एज बॉम्बे फ्रॉम पोर्तुगीज वर्ड बॉम बाहिया मीन्स गुडवे। अर्लियर इसको बॉम्बे बोला जाता था, जो किससे डिराइव्ड हुआ था बॉम्बे वर्ड? पोर्तुगीज वर्ड से बॉम बहिया, जिसका मतलब था गुड वे, अच्छा रास्ता, गुड तरीके से, है ना? और इट इज द लार्जेस्ट कॉमर्शियल हब इन इंडिया, फेमस फॉर कॉटन टेक्सटाइल मिल्स। यहाँ पे कॉमर्शलाइजेशन मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है मुंबई में, तो इसलिए इसको कॉमर्शियल हब बोला जाता है। और सबसे पहले यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल मिल्स बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। कॉटन टेक्सटाइल मिल्स मतलब वो मिल्स बच्चों जो कॉटन के क्लोथ्स बनाती हैं, ठीक है? तो वो मिल्स यहाँ बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। मुंबई वॉज ओरिजिनली अ क्लस्टर ऑफ 7 आइलैंड विच ओवर अ टाइम वर ज्वाइंट टू फॉर्म द आइलैंड सिटी ऑफ बॉम्बे। मतलब ऐसा माना जाता है कि मुंबई पहले जो है 7 आइलैंड का क्लस्टर थी, जो छोटे छोटे क्लस्टर आपस में जुड़ के क्या बना दिया उन्होंने, एक आइलैंड सिटी बना दी जिसका नाम पड़ा बॉम्बे। नाउ लोकेशन, वॉट इज द लोकेशन ऑफ मुंबई? सो मुंबई इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो किस स्टेट में है? तो स्टेट हमको पता चल गया बच्चों महाराष्ट्र, पर महाराष्ट्र के सॉरी किस डायरेक्शन में है? सॉरी तो ये किस डायरेक्शन में है? वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट क्या होता है बच्चों? सपोज दैट ये इंडिया का मैप है, यहाँ हमारा कहीं महाराष्ट्र है, तो यहाँ पे हमारा क्या है बच्चों? अरेबियन सी है, और अरेबियन सी की साइड क्या है? बे ऑफ बंगाल है, है ना? तो जो भी सी के नियर बाय एरिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? कोस्टल। क्या बोलते हैं? कोस्टल प्लेन्स, है ना? तो मुंबई भी सी के अराउंड सिचुएटेड है, यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे सिचुएटेड है। तो और ये कौन सी डायरेक्शन है? दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट, अपर वन इज नॉर्थ, लोअर वन इज साउथ। तो ये किस डायरेक्शन में है? वेस्टर्न डायरेक्शन। तो ये वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया है, इट फेसेस द अरेबियन सी। अब यहाँ पे क्या है? अरेबियन सी है, तो इसका फेस कहाँ है? अरेबियन सी की तरफ है, अरेबियन सी से लगा हुआ है ये स्टेट। नाउ और मुंबई एक शहर है, और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वो एक स्टेट है। सो मुंबई इज अनडाउटेडली द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। मुंबई जो है हमारे इंडिया का कॉमर्शियल कैपिटल है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर बिजनेस एंड ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। ट्रेड मतलब होता है व्यापार, वही बिजनेस करना, तो यहाँ पे बिजनेस ट्रेड वगैरह बहुत ईजिली अवेलेबल है, बहुत लोग वहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसेस करते हैं, ठीक है? इट इज़ द बेस फॉर द बिगेस्ट मल्टीनेशनल कंपनीज, और जो बड़ी बड़ी MNCs होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो भी मुंबई में है। इट इज़ अ हब ऑफ टेक्सटाइल मिल्स, यहाँ पे बहुत सारी टेक्सटाइल मिल्स है। टेक्सटाइल मिल्स क्या होंगी बच्चों? कपड़े की जो फैक्ट्रियाँ होती हैं जहाँ कपड़े बनते हैं उन्हें टेक्सटाइल मिल्स बोलते हैं। नाउ वी हैव डायमंड इंडस्ट्री ऑल्सो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जितने भी बॉलीवुड सेलेब्स है, चाहे एक्टर है, एक्ट्रेस है, वो सब कहाँ रहते हैं? मुंबई में रहते हैं, है ना? तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, रिफाइनरीज, ऑयल फील्ड। देखो बच्चों, जो भी स्टेट कह लो या शहर है, वो अगर किसी सी के अराउंड, सी के नियर बाय
लोकेटेड है, तो वहां पे बहुत ज्यादा चांसेस हैं किसके, रिफाइनरीज और ऑयल फील्ड होने के। ऑयल फील्ड का मतलब होता है जो तेल, जो कंपनीज तेल बनाती है, तेल, तो तेल तो हमें समुद्र से मिलता है, मतलब सी के मिड से मिलता है, और उसी के नियर बाय रिफाइनरी सिचुएटेड होती हैं जो उस ऑयल को फिल्टर करके हम लोगों तक पहुंचाती हैं, है ना। तो रिफाइनरीज हैं, बॉम्बे आई एक्सेट्रा, एंड इज वन ऑफ द मेजर पोर्ट सिटीज इन द कंट्री। मेजर पोर्ट मतलब पोर्ट क्या होते हैं, पोर्ट होते हैं जहाँ पे शिप के थ्रू बड़े बड़े गुड्स को हम एक जगह से दूसरे जगह, इवन अनदर कंट्री में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो पोर्ट तो वहीं लोकेटेड होंगे ना बच्चों जहाँ कोई सी होगा। तो क्योंकि महाराष्ट्र जो है उसमें जो मुंबई है वो अरेबियन सी के नियर बाय सिचुएटेड है, तो वहाँ पे पोर्ट की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे पोर्ट है जहाँ पे बड़े बड़े शिप्स जो है इस गुड्स को एक जगह से दूसरे कंट्री तक ट्रांसफर करते हैं। मुंबई नेचर एज द मोस्ट मल्टीकल्चरल एंड कॉस्मोपॉलिटियन इंडियन सिटी इज सिंबलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ बॉलीवुड विद इन द सिटी। तो देखो मुंबई में क्या है बच्चों, मुंबई में जितनी भी बॉलीवुड इंडस्ट्री है पूरी, चाहे वो एक्टर है एक्ट्रेस है, सब लोग यहाँ रहते हैं। बहुत अलग अलग कल्चर के लोग यहाँ पे आए, क्योंकि जहाँ पे भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ माइग्रेट करते हैं, है ना, इन सर्च ऑफ जॉब्स और टू डू बिजनेस, मतलब उनको अच्छा बड़ा कोई बिजनेस करना है तो वो लोग ऐसी लोकेशंस पे जाते हैं जहाँ पे सारे रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं। तो वही सारी चीज़ें अवेलेबल है मुंबई में, तो इंडिया के हर पार्ट से लोग वहाँ जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीकल्चरल हो जाएगा। अलग अलग कल्चर के लोग वहाँ पे रहेंगे, एक साथ मिलके रहेंगे, तो वहाँ पे अलग अलग कल्चर देखने मिलेंगे। सो इट इज़ मल्टीकल्चरल और द सेंटर ऑफ ग्लोबली इन्फ्लुएंस्ड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। और जो भी हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है वो पूरी कहाँ है, मुंबई में है, है ना। सो इट इज ऑल्सो होम टू इंडिया लार्जेस्ट स्लम पॉपुलेशन। ऐसा नहीं है कि वहाँ एक्टर एक्ट्रेस है तो वहाँ पे कोई गरीब लोग नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा जो स्लम एरिया है, स्लम किसे बोलते हैं, जो झोपड़पट्टी वाला एरिया होता है जहाँ पे पुअर पीपल डिसाइड्स करते हैं, है ना, उनकी पूरी एक कॉलोनी बन जाती है, तो वो है स्लम एरिया। तो स्लम पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है मुंबई में। मुंबई इंजॉयज अ मॉडरेट टेम्परेचर विथ हाई लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी बिकॉज इट रेस्ट ऑन द कोस्ट। जो भी एरिया कोस्ट मतलब समुद्र के किनारे होंगे उनमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, वाटर कंटिन्यू इवॉपरेट होता है और एटमोसफियर में ह्यूमिडिटी का अमाउंट बढ़ा देता है। तो मुंबई जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती। सपोज दैट दिल्ली में क्या है, दिल्ली में कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है। कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट मतलब कि गर्मियाँ जो है वो बहुत गर्म रहेंगी, ठंडी जो है वो बहुत ठंडी रहेगी। बट मुंबई में मॉडरेट है, मॉडरेट मतलब ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं होता, लेकिन क्योंकि वो कोस्टल एरिया है, समुद्र के किनारे सिचुएटेड है, तो वहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। इन जुलाई एंड अगस्त इट रिसीव हैवी रेनफॉल दैट कॉसेस वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग मतलब पानी भर जाना, एरियाज को ब्लॉक कर देना। तो जुलाई से अगस्त तक वहाँ बहुत हैवी रेनफॉल होती है जिसके कारण वाटर लॉगिंग हो जाती है। और द विंटर इज प्लेजेंट, विंटर सीजन सही रहता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंड नहीं पड़ती है मुंबई में, है ना। जितने भी कोस्टल एरियाज है वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती। अब देखो दिस इज़ अ मैप ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, और महाराष्ट्र स्टेट के अंदर किसका मैप है, ये मुंबई का। तो मुंबई में ये अपन ने देख लिया कि ये अरेबियन सी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में ये सिचुएटेड है। इस साइड क्या हो गया तुम्हारा, न्यू मुंबई। अब मुंबई में भी तुम क्या है, बोरीवली तुमने बहुत ज़्यादा सुना होगा, ये स्वामी विवेकानंद रोड है, फिर यहाँ से दादर है, जुहू है, अंधेरी है ना, ये जो चीज़ें हैं, महालक्ष्मी टेम्पल है, ये आपने कई बार सुना होगा, है ना। तो ये मुंबई की क्या है, फेमस प्लेसेस हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट द कल्चर। सो व्हाट इज द कल्चर ऑफ मुंबई, पीपल फ्रॉम मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया लिव इन मुंबई। मतलब अब वही बात है, जहाँ पे बच्चों बिजनेस है, जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, वहाँ इंडिया के हर पार्ट से लोग माइग्रेट होकर जाएंगे वहाँ रहने के लिए। तो पीपल फ्रॉम मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया लिव इन मुंबई, मतलब मुंबई में अलग अलग पार्ट्स, इंडिया के अलग अलग पार्ट से लोग जाकर वहाँ रिसाइड करते हैं। Therefore, diversity in culture, food, clothes and language can be seen here. तो जब अलग अलग इंडिया के अलग अलग पार्ट से लोग वहाँ जाके रहेंगे तो उनका फूड हैबिटेट अलग, फूड अलग होगा, साथ में उनका लैंग्वेज जो बोलते हैं वो भी अलग होगा, साथ में जो कपड़े वो पहनते हैं पहनावा भी उनका अलग होगा। तो बहुत सारी डाइवर्सिटी हमें ऐसी जगह पे देखने मिल जाती है।
मुंबई इज द 8th मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड के अकॉर्डिंग जो 8th नंबर पे सबसे पॉपुलेटेड सिटी है वो मुंबई है. भेलपुरी पाव भाजी आर पॉपुलर स्नैक्स ऑफ मुंबई. स्नैक्स मतलब फेमस किसके लिए, तो भेलपुरी और पाव भाजी के लिए. मेन लैंग्वेज यहाँ पे क्या होती है बच्चों, स्पोकन बाय द पीपल इज मराठी. मराठी बोली जाती है. ऑल द मेजर इंडियन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हेयर बट गणेश चतुर्थी इज द मोस्ट वाइडली सेलिब्रेटेड फेस्टिवल फॉर द पीपल ऑफ मुंबई. अब क्योंकि यहाँ पे इंडिया की हर पार्ट से लोग आके रह रहे हैं तो वहाँ पे हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाएगा. पर महाराष्ट्र का ही जो वो बहुत फेमस फेस्टिवल है मुंबई का, वो है गणेश चतुर्थी, जो मुंबई में बहुत अच्छे से मनाई जाती है और हर लोग मनाते हैं, है ना. नाउ दिस इज भेलपुरी, पॉपुलर स्नैक्स पाव भाजी एंड गणेश चतुर्थी, जो वहाँ का फेमस फेस्टिवल है. नाउ वी विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट. सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन मुंबई इन्वॉल्व्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ मिलियंस ऑफ इट्स सिटीजन ओवर रेल, रोड एंड वाटर. मतलब कि रोड से भी ट्रांसपोर्टेशन है, रेल भी है और वाटर के थ्रू भी लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं. ओवर 88% ऑफ द कम्यूटर्स इन मुंबई यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट. मतलब 88% जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं. जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या क्या होगा बच्चों, लोकल ट्रेन्स होंगी, बेस्ट बसेस होंगी, मतलब मुंबई में जो बसेस चलती हैं, टैक्सी होंगी, ऑटो रिक्शा, एज वेल एज फेरी सर्विसेज. फेरी मतलब जो समुद्र में चलती है ना, छोटे से नाव टाइप की फेरी जो है. तो ये सारे ट्रांसपोर्टेशन ये लोग यूज करते हैं. अब मोनोरेल सिस्टम हैज रिसेंटली बीन इनॉग्रेटेड. और रिसेंटली एक वहाँ पे मोनोरेल सिस्टम इनॉग्रेट किया है, मतलब उसका उद्घाटन हुआ है, इनॉग्रेशन हुआ है. द छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया. अब मुंबई है, इतने बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस वहाँ रह रहे हैं, वो फॉरेन जाते हैं, फॉरेन से भी लोग मुंबई में आते हैं, तो वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो हो गई. तो क्या है उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम, छत्रपति शिवाजी, और सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, ठीक है. मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते जाते रहते हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन मुंबई आर माइग्रेंट्स. मतलब जो मुंबई में है वो नेटिव पीपल कम है, मतलब जो मुंबई के लोकल हैं, माइग्रेट होके लोग ज़्यादा यहाँ पे रहने आए हैं. माइग्रेंट्स मतलब होता है किसी दूसरी जगह से दूसरी जगह आना, है ना. तो यहाँ मुंबई पे दूसरी जगह से लोग आके रिसाइड कर रहे हैं, वो कौन है, माइग्रेंट्स हैं. सो इट इज़ थिकली पॉपुलेटेड सिटी, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. इट इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया. और इंडिया में जैसे सबसे पहले जो लिटरेसी रेट है, मतलब जो जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, वो तो केरला है, लेकिन उनमें से भी मुंबई भी एक हाइएस्ट लिटरेसी रेट वाला सिटी है, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, जिसका लिटरेसी रेट दिया है 94.7%. Now we will learn about the places. So one can find a large number of beautiful heritage buildings here. यहाँ पे भी heritage buildings हैं. Some of them important places of tourist interest are. मतलब जो tourist जब भी मुंबई में जाते हैं तो जिन places पे वो लोग जाते हैं तो वो कौन कौन सी है, Gateway of India, Marine Drive, जुहू Beach, चौपाटी, नरीमन Point, जहांगीरहाट Gallery, SL World, etc. ठीक है. The Elephanta Caves have rock cut temples and are great sight. जो Elephanta Caves है, Elephanta की गुफाएं हैं, वहाँ पे एक बड़ा पत्थर है, सिर्फ एक सिंगल पत्थर है जिसको कट करके टेम्पल बनाया गया है, तो वो भी एक बहुत फेमस चीज़ है देखने के लिए. As Mumbai is the capital of Maharashtra, महाराष्ट्र का कैपिटल है मुंबई, so it has the offices of the governor, the chief minister and other state minister and officers, है ना. अब जो दिल्ली था बच्चों, दिल्ली तो नेशनल कैपिटल है, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब राष्ट्रपति भी रहते हैं, तो वहाँ पे पार्लियामेंट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है. इसी तरीके से मुंबई में क्या होंगे, मुंबई क्या है, एक महाराष्ट्र स्टेट का कैपिटल है, और जो स्टेट का कैपिटल होता है वहाँ पूरी जो स्टेट गवर्नमेंट की चीज़ें होती हैं, है ना, वो सारी वहाँ उस कैपिटल में मिलती हैं. तो चीफ मिनिस्टर हुए, अदर स्टेट मिनिस्टर हुए, ऑफिसर हुए, गवर्नर हुए, ये सब कहाँ रहेंगे, मुंबई में.
उनका ऑफिसेस कहाँ होगा? मुंबई में होगा. इट हैज अ नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिसेस. गवर्नमेंट ऑफिसेस कौन कौन से? जैसे कि हाई कोर्ट है, कस्टम डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, ये सब भी यहाँ पे सिचुएटेड है. तो इन द फर्स्ट इमेज यू वर शोइंग गेटवे ऑफ इंडिया, ये मुंबई में है. ये क्या है? मरीन ड्राइव. ये देखो समुद्र के किनारे वाला एरिया. और ये एलिफेंटा केव्स. एलिफेंटा केव्स है ना, गुफा है एलिफेंटा की, ये भी बहुत फेमस है. नाउ नेक्स्ट इज मुंबई इज रिप्रेजेंटेड बाय 6 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी. मतलब 6 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहां पे, 6 सीट्स है, मीन्स 6 उस पार्ट्स में मेजरली डिवाइडेड है. सबसे पहले मुंबई नॉर्थ है, फिर मुंबई नॉर्थ वेस्ट है, मुंबई नॉर्थ ईस्ट है, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल है, मुंबई साउथ सेंट्रल और मुंबई साउथ. इसको कैसे लर्न करोगे बच्चों? तो देखो सबसे पहले हमें एक क्या कर लेना है, डायरेक्शन वाला हमें सिंबल इसको बनाना है. तो ये जैसे अपर वाला साइड जो है वो नॉर्थ है, इसके नीचे वाला क्या है? साउथ है. ये तुम्हारा क्या है? वेस्ट है. और ये हो गया ईस्ट. अब ये देखो बच्चों यहाँ पे ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी? साउथ वेस्ट हो जाएगी. ये वाली क्या हो जाएगी? नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी. ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी और ये साउथ ईस्ट हो जाएगी. जो ये सब ऑर्डिनेट्स डायरेक्शंस हैं, इनको हम नॉर्थ और साउथ के कंपैरिजन में ही लेते हैं. मतलब नॉर्थ नॉर्थ पहले आएगा, फिर वेस्ट बाद में आएगा. साउथ पहले आएगा, फिर वेस्ट बाद में आएगा. ठीक है, इधर भी नॉर्थ पहले आया, ईस्ट बाद में आया, साउथ पहले आया, ईस्ट बाद में आया. तो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन कौन सी है? एक तो नॉर्थ की है ना, जो नॉर्थ डायरेक्शन में मुंबई सिचुएटेड है. एक कौन सी है? नॉर्थ वेस्ट की है. फिर एक कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट मुंबई है. फिर एक मुंबई सेंट्रल, मतलब जो बीचो बीच सिचुएटेड है मुंबई. एक कौन सी है? मुंबई साउथ सेंट्रल, साउथ में जो मुंबई है. और साउथ सेंट्रल मतलब यहाँ बीच में होगा साउथ सेंट्रल और नीचे होगा साउथ. तो इस तरीके से ये 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी. टूरिस्ट प्लेसेस मुंबई में कौन कौन सी है? तो गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट है. मुंबई इज सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल बीचेस. समुद्र के किनारे शहर बसा हुआ है तो बीचेस तो बहुत सुंदर होंगी ही यहाँ. द मोस्ट फेमस सी बीचेस ऑफ मुंबई आर जुहू चौपाटी एंड गिरगांव चौपाटी. जो बहुत फेमस बीच है, तो देखो ये गिरगांव चौपाटी यहाँ इमेज में है, जुहू चौपाटी ये बहुत फेमस है. एलिफेंटा केव्स लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ मुंबई. ईस्ट डायरेक्शन साइड जाएंगे तो यहाँ पे क्या है बच्चों? एलिफेंटा केव्स है. क्या है? एलिफेंटा केव्स है. ठीक है, नाउ आर फेमस फॉर देयर ब्यूटीफुल स्टोन कार्विंग. एलिफेंटा केव्स क्यों फेमस है? क्योंकि वहां एक ही पत्थर पे बहुत सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर बना के टेम्पल्स बनाए गए हैं, है ना, इसलिए वो बहुत फेमस है. नाउ वी हैव फिल्मिस्तान स्टूडियो. ये एक स्टूडियो है जहाँ फिल्म वगैरह की रिकॉर्डिंग होती है बच्चों, है ना. नेक्स्ट इज ये जुहू चौपाटी और गिरगांव चौपाटी आपको मैंने बताया. नाउ सम अदर इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स ऑफ मुंबई. मुंबई में और कौन सी जगह है जो बहुत फेमस है? तो नरीमन पॉइंट है, मरीन ड्राइव है, एसिल वर्ल्ड है, हाजी अली दरगाह है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम है, जहांगीर आर्ट गैलरी है एंड छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, मतलब उनकी जो जहां समाधि बनी हुई है. एसिल वर्ल्ड इज सिचुएटेड एट धाराबी आइलैंड. एसिल वर्ल्ड कहां सिचुएटेड है? धाराबी आइलैंड पे. पहले ही अपन ने पढ़ा है कि आइलैंड से मिलकर ये मुंबई शहर बना है ना. सो सी पोर्ट मतलब अ प्लेस ऑन द सी कोस्ट वेयर शिप आर लोडेड एंड अनलोडेड. पोर्ट किसे बोलते हैं? ऐसी जो समुद्र के किनारे वाली जगह जहाँ पे बड़ी बड़ी जहाज आके रुकती हैं और सामान को उतारती हैं, उसमें से सामान उतारा जाता है और वापस लोड किया जाता है, अनलोडेड एंड लोडेड. केव मतलब हॉलो प्लेस इन द माउंटेन्स, पहाड़ों में बीच से कट के कोई जगह हो. केव गुफाएं वैसी होती ना, पहाड़ों के बीच में पत्थर को काट के कोई ऐसा एरिया बचा हुआ हो, तो वो केव्स है. बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री मुंबई की, उसको बॉलीवुड बोलते हैं. बॉम्बे हाई, इट इज द प्लेस वेयर पेट्रोलियम इज टेकन आउट फ्रॉम सी बेड. बॉम्बे हाई वो जगह है जहाँ पे सी समुद्र के नीचे से बहुत डीप जाके, है ना, मशीनों के थ्रू हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है, पेट्रोल वगैरह, वो निकालते हैं.
नाउ मुंबई इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड बिजिएस्ट सिटी इन इंडिया, बड़ी भी है और बिजी भी है. इट वॉज अर्लियर नोन एज बॉम्बे, पहले से बॉम्बे बोला जाता था. गेटवे ऑफ इंडिया इन मुंबई इज द सिग्नेचर लैंडमार्क ऑफ मुंबई. जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो रिमार्केबल मॉन्यूमेंट है मुंबई का. छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिजिएस्ट एयरपोर्ट है. बताया कि जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, एक्टर एक्ट्रेस हैं या जो दूसरे कंट्री से भी लोग आ रहे, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को काफी बिजी हो गया. गणेश चतुर्थी क्या है? मुंबई का फेमस फेस्टिवल है. नाउ वी हैव एक्सरसाइज टू डू. यू हैव टू डार्क ऑन द करेक्ट वन. आपको इस तरीके से पेंसिल से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको डार्क करना है. मुंबई वॉज अर्लियर नोन एज, है ना, मुंबई को अर्लियर क्या बोला जाता था बच्चों? सो बॉम्बे, है ना, दिस इज बॉम्बे. नाउ नेक्स्ट वन इज विच केव्स आर लोकेटेड एन आइलैंड नियर मुंबई. तो मुंबई के पास कौन सी केव्स हैं? एलिफेंटा केव्स हमने पढ़ी. कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र क्या है बच्चों? तो कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र इज मुंबई. नाउ नेक्स्ट इज मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल इन मुंबई इज. मुंबई में सबसे फेमस फेस्टिवल क्या है? गणेश चतुर्थी, है ना, गणेश चतुर्थी. नाउ नेक्स्ट इज बॉम्बे हाई इज फेमस फॉर. तो किसके लिए फेमस है बच्चों? क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम ऑयल को क्रूड ऑयल भी बोला जाता है. कच्चा तेल जिसे निकाला जाता है, फिर उनसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या ऑयल बनाए जाते हैं, तो क्रूड ऑयल भी हम उसे कह सकते हैं. वैसे हमने यहाँ पे जो चैप्टर में पढ़ा है वो सिर्फ पेट्रोलियम पढ़ा है, तो अगर ये स्पेसिफाई करते हैं पेट्रोलियम तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बॉम्बे हाई, है ना. अदरवाइज इसमें नन ऑफ दीज ऑप्शन भी हम लगा सकते हैं, ठीक है. नाउ डैश इज द मेन इंडस्ट्री ऑफ मुंबई. मुंबई में मेन इंडस्ट्री क्या है बच्चों? तो टेक्सटाइल, है ना. मुंबई की जो इंडस्ट्री वो टेक्सटाइल के लिए ज्यादा फेमस है. मुंबई हैज मॉडरेट टेम्परेचर, ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है ना ज्यादा ठंडी पड़ती है, मॉडरेट टेम्परेचर है. भाभा एटोमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? तो ये भी मुंबई में है, ठीक है. नेक्स्ट द पीपल ऑफ मुंबई आर मोस्टली कॉल्ड, जो मुंबई के लोग हैं उनको हम क्या बोलते हैं? महाराष्ट्रियन बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट इज डैश इज द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन इंडिया. इंडिया की सबसे पॉपुलर सिटी क्या है? तो यहाँ ट्रॉम्बे, यहाँ पे बॉम्बे, है ना, बॉम्बे होना चाहिए लास्ट जो बचा है, बॉम्बे या मुंबई. तो मोस्ट पॉपुलर सिटी क्या है बच्चों? मुंबई, है ना. नाउ द छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन मुंबई. यस दिस वन इज ट्रू, है ना, मुंबई में लोकेटेड है. एसएल वर्ल्ड इज द लार्जेस्ट वाटर थीम पार्क इन एशिया, मतलब एशिया का सबसे बड़ा वाटर पार्क है. नहीं, ये हमने नहीं है, है ना. नेक्स्ट इज मुंबई हैज अ कोल्ड टेम्परेचर. कोल्ड टेम्परेचर होता है फॉल्स. मुंबई इज अ सिटी ऑफ इंडस्ट्रीज. हाँ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है वहाँ. मैनी ईयर्स अगो मुंबई वॉज अ ग्रुप ऑफ 8 आइलैंड. नहीं, हमने यहाँ पे 7 आइलैंड पढ़ा था, है ना. देखो इस चैप्टर में हमने यहाँ पे जब आइलैंड्स के बारे में पढ़ा था तो 8 मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी वर्ल्ड की है. साथ में ओरिजिनली द क्लस्टर ऑफ 7 आइलैंड. कितने आइलैंड्स पढ़े थे हमने? 7 आइलैंड्स. और वहाँ पे क्या दे रहे हैं हमको? 8 आइलैंड्स. तो दैट वन इज फॉल्स, है ना. वो क्या हो जाएगा बच्चों? फॉल्स हो जाएगा. सो यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं था बच्चों, क्या पढ़ा हमने? मुंबई में मुंबई क्यों फेमस है, वहां का कल्चर क्या है, फूड क्या है, कौन कौन सी फेमस प्लेसेस है मुंबई में, है ना. ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में कवर अप की और इसको सिर्फ आपको एक बार थॉरोली रीड करना है और इजिली ये चैप्टर समझ में आ जाएगा. एज अ टूरिस्ट, मतलब जब आप कभी मुंबई में विजिट करो तो जो टूरिस्ट स्पॉट्स हमने पढ़े हैं वहाँ पे उनको ज़रूर विजिट करना, क्योंकि वहाँ जाके हमें वहाँ के कल्चर कल्चरल हेरिटेज के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलती है और हमें पता चलता है कि यहाँ का कल्चर कैसा है, है ना. तो दिस वे यू विल लर्न मोर अबाउट द मेट्रोपॉलिटन सिटीज और द बिजिएस्ट सिटी, है ना, और जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी है, इनके बारे में आपको धीरे धीरे नॉलेज मिलती रहेगी. सो थैंक यू क्लास.